तो हेलो एंड वेलकम अगेन दोस्तों। OMG 2 लगातार सर्वाइव कर रही है। जी हाँ दोस्तों, इतनी बुरी हालत अक्षय कुमार की पहले कभी नहीं हुई, क्योंकि अक्षय पाजी को कंटेंट किंग बोला जाता है। इट मींस ये कि लोग इन पे सीधा भरोसा करते हैं कि जब भी आएंगे जबरदस्त लॉजिकल एंड वैल्यूएबल कंटेंट ही लेकर आएंगे। सेम चीज उन्होंने OMG 2 में भी करना चाहा, कंटेंट को प्रायोरिटी दी, लेकिन इस बारी उन्हें मुंह की खानी पड़ी, क्योंकि सेंसर बोर्ड क्लीन चिट नहीं दे रहा है साहब। आज मंडे को इसका मे बी फाइनल डिसीजन आ जाएगा UAE सर्टिफिकेशन को लेकर, क्योंकि बस इंतजार है तो बस इसी का और कुछ नहीं। ऐसा नहीं है कि ये लोग ट्रेलर रिलीज करना नहीं चाहते हैं, चाहते हैं, और जहां तक है मुझे लग रहा है साइड ट्रेलर बना के ये लोग रेडी भी बैठे होंगे। तो कुछ दिन में आफ्टर दिस CBFC मैटर ये लोग ट्रेलर भी रिलीज करने वाले हैं एक आध दिन में, लेकिन सेंसर बोर्ड के डिसीजन का कर रहे हैं वेट। देखो सेंसर बोर्ड का भी अलग ही नाटक है। जिस फिल्म को वाकई में बैन करना चाहिए था आदि पुरुष को, उसे बड़ी आसानी से पास करके रिलीज कर दिया गया। फिर जो जनता ने फैसला किया है पूरी इंडस्ट्री की थू हो गई है। लेकिन जब OMG 2 का टीजर आया था इसमें कुछ भी कंट्रोवर्शियल नहीं मिला लोगों को, उल्टा पब्लिक में बहुत प्यार दिया टीजर को, बेसब्री से इसका फाइनल ट्रेलर और मूवी रिलीज का वेट करने लगी पब्लिक। लेकिन तभी सेंसर बोर्ड आता है अपनी रौद्र रूप में और तुरंत बैन करने की मांग उठाता है। इसी के चलते एडिटिंग में 20-20 सीन्स कट करवा देता है। तो एक चीज आप ही बताएं, अगर एक ही मूवी में 20 सीन कटवा देंगे तो साला देखने के लिए बचा ही क्या इसमें। उसके बाद भी सेंसर बोर्ड ने एक और अपडेट जारी किया कि इट मींस ये कि ए सर्टिफिकेशन दिया जाएगा मूवी को। मूवी सिर्फ 18 प्लस की ऑडियंस ही जाएगी देखने, मतलब एडल्ट सिनेमा है। लोगों के बीच में अब खलबली मच गई। कहां तो लोग फैमिली मोमेंट प्लान कर रहे थे, बट इस न्यूज ने बहुत रेटिंग गिरा दी मूवी की। और ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि मूवी में सेक्स एजुकेशन के टॉपिक पर खुलकर बात होनी है। दैट्स व्हाई सेंसर बोर्ड इतना अलर्ट होकर काम कर रहा है, क्योंकि आदि पुरुष ने जो सबक दिया है वो उसे कभी भी रिलीजन बेस्ड मूवी पर भूलेंगे नहीं। तो जब सेंसर बोर्ड ने मूवी को 18 प्लस कंटेंट बना दिया, यहाँ अब मेकर्स का माथा खराब होता है और मेकर्स लेते हैं अगेन स्टैंड अगेंस्ट CBFC और दोबारा से क्लीन चिट के लिए भेजते हैं अपनी मूवी को कि हमें एक अच्छी रेटिंग चाहिए, ए सर्टिफिकेशन नहीं चाहिए, आप फिर से चेक करो, अभी भी प्रॉब्लम है कुछ सीन्स में तो हम वो भी कट कर देंगे। क्योंकि मेकर्स नोच कि अगर फैमिली वाला ऑडियंस नहीं आएगा तो मूवी बहुत आसानी से पिट जाएगी, आखिर जाएगा ही कौन देखने थिएटर में इस मूवी को, फिर तो बिजनेस नहीं कर पाएगी फिर फिल्म, सीधी सी बात है। तो इस बार सेंसर बोर्ड ने मांगा था वक्त कि मंडे तक हम क्लियर रिपोर्ट आपको दे देंगे, जब तक के लिए वेट करो। तो मे बी आज कुछ OMG 2 से रिलेटेड बढ़िया अपडेट मिल जाए दोस्तों, मे बी आज क्लीन चिट मिल जाए मूवी को बिना लिमिटेशंस के, बिना एडल्ट कंटेंट के वार्निंग शो करके रिलीज करने का। बट हु नोज, अभी भी अगर ए सर्टिफिकेशन मिल गया तो वो तो कुछ समय में पता लग ही जाएगा। बाकी आप लोग बताएंगे कि सेक्स एजुकेशन और रिलीजन कनेक्शन, क्या ये सही कनेक्शन बैठाया गया था मेकर्स की तरफ से इस मूवी में? दूसरा, आपके हिसाब से मूवी को बैन करना चाहिए या पहले देख लो आखिर उसमें मैसेज क्या देने की कोशिश करी गई है, ये करना चाहिए? फटाफट अपनी राय कमेंट बॉक्स पर जरूर शेयर करके जाना। बाकी मूवी रिव्यू और बॉक्स ऑफिस से जुड़ी सभी अपडेट्स के लिए और बॉलीवुड हॉलीवुड और साउथ फिल्मों की अपडेट्स के लिए हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहना। और अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना। दूसरा, अंगूठे वाला बटन दबा के वीडियो को लाइक जरूर करना। मिलते अगली वीडियो में। जय हिंद।